हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरके सिंह एंड यू आर वाचिंग ट्रांजिशन फिजिक्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग वेक्टर एडिशन का एक और अच्छा न्यूमेरिकल देखेंगे जो हेक्सागन प्रॉब्लम पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा एक हेक्सागन दिया हुआ है, ये हमारा वैक्टर ए बी है, ये हमारा वैक्टर बी सी है, ये हमारा सी डी है, ये हमारा डी ई है, ये हमारा ई एफ है और ये हमारा एफ ए है। अब आप सोच रहे होंगे ये न्यूमेरिकल्स एक्चुअली में क्या है, तो देखिए हमारा न्यूमेरिकल्स क्या दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, हमें प्रूफ करके दिखाना है वेक्टर ए बी। देखिए फ्रेंड्स, मुझे प्रूफ करके दिखाना है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, वेक्टर ए बी, देखिए फ्रेंड्स मुझे क्या प्रूफ करना है, वेक्टर ए बी, ठीक है, वेक्टर ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी सी, इस वेक्टर का डबल, ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी सी प्लस थ्राइस ऑफ वेक्टर सी डी, मतलब इस वेक्टर का ट्रिपल, है ना फ्रेंड्स। तो ए बी प्लस टू बी सी प्लस थ्री डी सी, ठीक है, थ्री सी डी प्लस फोर डी ई प्लस फोर डी ई, ठीक है, प्लस फाइव, ये हमारा होगा फोर डी ई प्लस फाइव ई एफ, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस सिक्स एफ ए। और मुझे प्रूफ करके दिखा रहा है इज इक्वल टू थ्री डी ए, तो ये मुझे प्रूफ करना है, मतलब ये वेक्टर ए बी प्लस टू बी सी प्लस थ्री सी डी प्लस फोर डी प्लस फाइव ई एफ प्लस सिक्स एफ ए इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ डी ए दिस वेक्टर। तो मुझे फ्रेंड्स ये प्रूफ करके दिखाना है ए बी प्लस टू बी सी प्लस थ्री सी डी प्लस फोर डी प्लस फाइव ई एफ प्लस सिक्स एफ ए इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ डी ए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे। इस न्यूमेरिकल को आप बहुत ही चालाकी से बना सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो कि ये 2BC है, तो आप इसको एक अरेंज करो इस न्यूमेरिकल को एक अच्छे फॉर्म में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए, मैं AB को तो AB ही लिख सकता हूँ। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ये देखिए, आप इस न्यूमेरिकल को देखिए, तो आप AB को एक टाइम लिखो, ठीक है। तो देखो आप AB को कितना टाइम लिखोगे फ्रेंड्स, एक टाइम। तो ध्यान से देखो, आपने AB को वन टाइम लिखा फ्रेंड्स। अच्छा, BC को आप टू टाइम्स लिखो फ्रेंड्स, BC फिर प्लस बी सी, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। प्लस सी डी को आप थ्री टाइम्स लिखोगे फ्रेंड्स, तो वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर सी डी, है ना फ्रेंड्स। अच्छा देखिए, आप देखिए डी को आप फोर टाइम्स लिखोगे फ्रेंड्स, तो वेक्टर डी, क्योंकि चार है, प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर डी, है ना। देखिए प्लस, आप देखिए ई एफ को कितने टाइम्स लिख सकते हो, फाइव टाइम्स, है ना फ्रेंड्स। तो आप ई एफ को लिख सकते हो फाइव टाइम्स, है ना। तो आप लिख सकते हो ई एफ प्लस ई एफ प्लस ई एफ प्लस ई एफ, फाइव टाइम्स लिखेंगे फ्रेंड्स फटाफट। देखिए ये हमारा पैटर्न हुआ, ये फाइव। अब एक बचा हुआ है एफ ए, फटाक से लिखेंगे फ्रेंड्स सिक्स। एफ ए को आप फटाफट लिखो, एफ ए प्लस एफ ए, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस एफ ए प्लस एफ ए प्लस एफ ए, यानी ये हमारा कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। अब समस्या ये फ्रेंड्स कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, आप अच्छे से देखना। अब देखो ए बी, पहले इस पूरे सेगमेंट को देखो फ्रेंड्स, इस सेगमेंट को, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, यानी ये एक क्लोज पिक्चर है फ्रेंड्स। तो इसकी पूरी वैल्यू जो है फ्रेंड्स, वो हमारी, इसका पूरा वैल्यू हमारा फ्रेंड्स जीरो होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसका पूरा वैल्यू हमारा क्या होगा, जीरो होगा। प्लस आप नेक्स्ट को देखो, इसको देखो, तो अगर आप इसको देखोगे फ्रेंड्स, तो ये चलता है बी सी, यहां से बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहां से गए बी सी सी डी ई डी ई ई एफ और एफ ए, तो देखिए फ्रेंड्स आपका बचा बी ए वेक्टर, है ना। तो इसका रिजल्ट होगा हमारा प्लस बी ए वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप आगे देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए सी डी, मतलब यहां से चलेंगे फ्रेंड्स, तो सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर, इसका मैं इसका बात कर रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स, इस लाइन का। तो देखिए सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बनता है सी ए वेक्टर। तो ये हो गया हमारा सी ए वेक्टर इसका, है ना। प्लस अब आप देखिए फ्रेंड्स, इसको देखिए डी से, यानी यहां से डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए, है ना फ्रेंड्स। तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, डी ए वेक्टर, ठीक है फ्रेंड्स।
अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है प्लस। अब आप देखिए डी वाला तो लिख दिए, अब आप देखिए क्या बचा है ई एफ वाला, है ना, तो ये भी आपका हो गया फ्रेंड्स। अच्छा प्लस, अब आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली एक और चीज है, यहाँ एक और एफ ए छूट गया है क्योंकि यहाँ पे सिक्स एफ ए है ना, तो एक एफ ए और रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए अगला आपका क्या है फ्रेंड्स, तो अगला आपका है ई एफ प्लस एफ ए, मतलब ई एफ प्लस एफ ए, तो मैं इसको फ्रेंड्स देखो आराम से लिख सकता हूँ ई ए वेक्टर, लिख सकता हूँ ना फ्रेंड्स ई ए, ई एफ प्लस एफ ए, देखिए ई यहाँ है ई एफ प्लस एफ ए इज इक्वल टू ई ए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने लिख दिया ई ए वेक्टर्स, ठीक है। चलिए एक बचा हुआ एफ ए, तो एज यूजुअल है इसलिए फ्रेंड्स ये हमारा एज यूजुअल होगा वेक्टर एफ ए। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम लोग इसको कैसे लिख रहे हैं, है ना, तो मुझे लगता है ये आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया ए बी प्लस बी सी, बी सी को टू टाइम्स लिखा, सी डी को थ्री टाइम्स, और आप देखेंगे ये पूरा एक पैटर्न बन रहा है, ये क्लोज पिक्चर बन रहा है इसलिए जीरो हो गया। अगला आप देखिए फिर जहाँ बी से शुरू हो रहा है और ए तक आ रहा है इसलिए बी एक वेक्टर बना, यहाँ से शुरू हो रहा है ए तक आ रहा है इसलिए सी ए वेक्टर बना, फिर डी से शुरू हो रहा है, ठीक है, जो एक डी से शुरू हो रहा है ए में जाके खत्म हो रहा है इसलिए एक डी ए वेक्टर बना, ठीक है। आप देखिए फिर एक ई से शुरू हो रहा है ए में जाके खत्म हो रहा है इसलिए ई ए वेक्टर बना, और एक एक्स से शुरू हो रहा है ए में जाके खत्म हो रहा है इसलिए एफ ए वेक्टर बना, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे हैंडल करना है ध्यान से देखते हैं, बिल्कुल आपको डरना नहीं है, आराम से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मुझे लगता है, अच्छा आप जरा ध्यान से देखिए, आपको इस ट्रायंगल में एक बहुत ही खास चीज दिखाई देगा। देखिए डी ए वैक्टर तो मुझे एक मिला हुआ है, तो ये वैक्टर को, तो देखिए मुझे डी ए तो लाना ही है, तो एक डी ए तो मुझे अभी मिल चुका है इसलिए मैं इस डी ए को बिना किसी सिचुएशन के इसको लिख दिया, ठीक है। तो एक डी ए मेरा हो चुका है, अब अगला मुझे एक डी ए और लाना है। अच्छा फ्रेंड्स आप देखिए, अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो बी ए वैक्टर को देखिए, है ना, तो बी ए वैक्टर का मतलब कौन सा वैक्टर हुआ हमारा, ये वाला वैक्टर, देखिए ये हमारा हुआ बी ए वैक्टर, ठीक है, बी ए प्लस, देखिए बी ए वैक्टर को और प्लस ई ए वैक्टर, है ना, आप देखिए ये हमारा ई ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बी ए वैक्टर से हमारा क्या लेना है, आप ध्यान से देखिए तो हमारा बी ए वैक्टर से बहुत ही क्लोज रिलेशन है, हमारा बी ए वैक्टर डी ई वैक्टर है, मतलब ये ही वैक्टर हमारा ये वैक्टर भी बी ए इज इक्वल टू डी। तो आप ध्यान से देखिए बी ई के हेड पे ए ई का टेल है, है ना, ई ए वैक्टर, तो डी ई वैक्टर प्लस ई ए वैक्टर, तो देखिए तो मतलब मैं यहां से बोल सकता हूँ बी ए वैक्टर जो है हमारा बी ए वैक्टर डी ई वैक्टर है, तो ये वैक्टर प्लस ई ए वैक्टर, ध्यान से देखिए ए बी बी ए वैक्टर ही हमारा डी ई वैक्टर बना, तो ये वैक्टर प्लस ये वैक्टर, अगर इसको जाके यहाँ रख दिया जाए तो ये दोनों सेम है, तो ये मिलकर हमें क्या देगा डी ए, तो एक मुझे और आ गया डी ए, ठीक है, तो अगला मुझे मिल चुका है प्लस डी ए वैक्टर, है ना। अब एक और मुझे चाहिए, क्या चाहिए, देखिए सी ए, तो अगर आप जरा ध्यान से देखिए तो सी ए का मतलब ये वाला वेक्टर सी ए प्लस एफ ए, अच्छा एफ ए ये है ना, तो मैं इस सी ए एफ ए को उठा के ये एफ ए जो ऐसे है इसको उठा के यहाँ रखा जा सकता है, तो दिस इज योर एफ ए, है ना, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, रेगुलर एडजन है ना, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एफ ए इज इक्वल टू डी सी में लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए दिस वैक्टर प्लस दिस वैक्टर इज इक्वल टू दिस वैक्टर, है ना, तो सी ए प्लस एफ ए को मैं क्या बोल सकता हूँ फ्रेंड्स, तो सी ए, ठीक है, सी ए प्लस एफ ए, तो सी ए एफ ए की जगह मैं डी सी लिख सकता हूँ, तो डी सी प्लस एफ ए इज इक्वल टू डी ए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी ए। देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा आ गया डी ए प्लस डी ए इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ डी ए वेक्टर, तो फ्रेंड्स यही हमारा प्रूफ है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप बने रहिए हमारे वीडियोज के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।